अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 8। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आटो कैट में आप कंस्ट्रक्शन लाइन किस तरह ड्रॉ करते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या मकसद है और कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर भी कुछ कमांड्स हैं, कौन कौन सी कमांड्स हैं और इनका क्या फंक्शन है। इसके लिए मैं आपको आउटलाइन बताता हूँ। आज के इस लेसन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन की जो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, हाउ टू इंसर्ट कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन को हम इंसर्ट किस तरह करते हैं, पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या मकसद है, पर्पज़ ऑफ फॉलोइंग कमांड इन कंस्ट्रक्शन लाइन में जो नीचे कमांड्स हैं कौन कौन सी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगल और ऑफसेट, इनका क्या मकसद है और ये किस तरह काम आती हैं। इसके लिए मैं ऑटो कैट को ओपन करूंगा। ऑटो कैट को ओपन किया तो आज इस लेसन में हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर डिस्कस करना है और टाइप्स ऑफ लाइन मैंने आपको बतानी है, टाइप्स ऑफ लाइन कौन कौन सी है। तो हमने जो टाइप्स की लाइन की, हमने सिर्फ लाइन, एंगुलर लाइन के एंगल पे आप किस तरह ड्रॉ करते हो ये काम किया। इसके अलावा पॉली लाइन रहती है हमारे पास और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन भी है। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी टाइप्स हैं लाइन की। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन है, रे, मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड्स एंड मेजर। तो ये जो कमांड्स कंस्ट्रक्शन लाइन के अलावा रे, ये जो रे कमांड होती है ये भी हम देखेंगे, ये स्ट्रेयर्स वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली लाइन नहीं है, ये किसी लाइन के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होती है। तो ये हम आगे जब जाएंगे, आगे हम नेक्स्ट लेसन में जाएंगे वहां पर मैं आपको इन कमांड्स का बताऊंगा कि ये कमांड किस तरह यूज होती है। और मेजर, ये आपके कमांड्स को मेजर करने के लिए की जाती है, मतलब आपकी आपने कितनी आपकी जो लाइन है उसको मेजर करने के लिए की जाती है कि आपकी लाइन कितनी आपने मेजर की है। तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है ये इन्फिनिट लाइन होती है, मीन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है इस लाइन का, आपसे जितना भी ड्रैग करें कुछ भी करें इसका एंड पॉइंट आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। तो ये जी कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन हर साइड पे मूव हो रही है, देख सकते हैं आप। उसके अलावा इसकी जो शॉर्ट कमांड है कंस्ट्रक्शन लाइन की, वो शॉर्ट कमांड है इसकी एक्स एल एंटर। आप एक्स एल एंटर करेंगे तो ये एक्स एल लाइन मीन कंस्ट्रक्शन लाइन आपके पास एंटर हो जाएगी, देख सकते हैं। सर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और ये हर एक एंगल में ड्रॉ हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेसन में आपको जो लाइन बताई थी, मैंने एंगुलर लाइन बताई थी मैंने एल एंटर, अभी जो एंगुलर लाइन मैंने आपको बताई थी तो इसमें जो एंगल शो हो रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये एंगल शो ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आप बस यहाँ पे देखें, ये ऑर्थो मूड हमारे पास ऑन है, इसको आप ऑफ करेंगे, यहाँ पे F8 प्रेस करने से भी ऑफ हो जाता है, क्लिक करें, अब एल एंटर करें। अब देखिए आपके पास ये लाइन, आपको देखें यहाँ पे लाइन भी बता रहे हैं और एंगल जीरो बता रहे हैं, आप देखें 90 बता रहे हैं, 180 बता रहे हैं, मगर हर एक एंगल पे ये आपको लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, करा मीन आपने 45 एंगल पे अपनी लाइन ड्रॉ करनी है तो 45 एंगल आपको नहीं दे रहा, या 90 देगा या 180 देगा, 90 देगा, देख सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे ये हमारे पास जो मूड है इसको आपने हमेशा ऑन रखना होगा, ताकि मेन ऑफ रखना होगा यहाँ पे, ताकि आपके पास जब आप लाइन ड्रॉ करो तो आपको हर एक एंगल में ही आपको बताए। तो ये अभी ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, ऑन करेंगे तो ऑन में ही आपको लाइन सिर्फ आपको 90, 180 डिग्री तक की लाइन को बताएगा आपको, और 0 डिग्री बताएगा, उसके अलावा नहीं बताएगा। तो ये तो प्रीवियस लेसन में कुछ चीज़ रह गई थी जो मैंने आपको इस लेसन में कवर करवा दी। तो आज के लेसन में कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर काम करते हैं। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आर्थो मोड या F8 आप प्रेस करते हो, F8 मीन आर्थो मोड ही होता है। एल प्रेस करता हूँ मैं, सॉरी एक्सेल, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए एक्सेल प्रेस करता हूँ मैं, तो ये हर एक मोड में जा रही है, तो इसके लिए मैं आर्थो मोड जो है इसको ऑफ करता हूँ, तो उसके लिए ऑन करने के लिए मैं F8 प्रेस करूंगा, मेन F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए। अब देखें
दो ही पोजीशन है इसकी, क्लिक करें, सॉरी क्लिक करें, देख सकते हैं। F8 प्रेस करें, ऑर्थो मोड को ऑन करें, ऑफ करें, तो आप देखें यहाँ पे ड्रॉ हो रही कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये जी कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन में जब हम कंस्ट्रक्शन लाइन XL प्रेस करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन देता हूँ, तो देखें आपको नीचे यहाँ पे इस एरिया में आपको देखें हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगल और इसके अलावा बाइसेक्ट्स और ऑफसेट्स वगैरह के ऑप्शन दिए हुए। तो इन ऑप्शन में क्या क्या होता है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल की आप प्रेस करेंगे, आप देखेंगे ये सेंटर पॉइंट से मूव हो रही है, देख सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर पॉइंट से मूव ना हो, तो ये हॉरिजेंटली मूव हो, तो उसके लिए आप एक्सेल प्रेस करें, ड्रॉ करें लाइन। F8 को मैं प्रेस कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन आए, ड्रॉ किया और मैं H प्रेस करता हूँ, H हॉरिजेंटल, सॉरी ये काम कमांड अप्लाई करने के से पहले आपने करना है, एक्सेल एंटर, और अब H प्रेस करता हूँ हॉरिजेंटल के लिए H, देखिए हॉरिजेंटल लाइन में वापस आ रही है, देख सकते हैं। अब इसी तरह मैं एक्सेल दोबारा प्रेस करता हूँ और मैं वर्टिकल के लिए V प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं ये वर्टिकल आ गया मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंट्रोल ए करके सबको डिलीट करता हूँ ताकि और भी काम करूँ। फिर मैं एक्सेल प्रेस करता हूँ और एंगल के लिए मैं A प्रेस करता हूँ, अब मुझे कह रहा है कि कितना एंगल आपने देना है, तो मैं 45 के एंगल पे ये लाइन को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, 45 एंगल, अब ये देखिए 45 के एंगल में ये लाइन ड्रॉ हो रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन 45 एंगल में ड्रॉ हो रही है, देख सकते हैं आप। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, डिलीट करता हूँ इसको, कंट्रोल ए और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, ओके ओके। तो इसके बाद दोबारा मैं एक्सेल एंटर करता हूँ, एक्सेल में हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल कर लिया, उसके बाद है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का फंक्शन ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एल एंटर करता हूँ, मैं किसी न किसी एल एंटर करता हूँ, मैं यहाँ से एल एंटर, मैं चाहता हूँ इस एंगल इसके सेंटर से हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन जाए, इस एंगल के इस यहाँ से इसके सेंटर से जाए, तो आप एक्स एल एंटर, बी एंटर, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें और देखें बिल्कुल उसके सेंटर से आप देखें ड्रॉ करें, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं, तो ये होता है जी हमारे पास एक्सेल में बाइसेक्ट का फंक्शन। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट के लिए क्या करते हैं आप, एक्सेल, सॉरी मैंने एक्सेल के लिए एक्स किया, एक्सेल एंटर, वर्टिकल एंटर, ओके। अब मैं एक्सेल करता हूँ, एक्स एल एंटर, और नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट। तो ऑफसेट होता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ओ एंटर करता हूँ और मैं ऑफसेट लेता हूँ इसका तकरीबन 10 फुट को या 5 फुट को ऑफसेट लेता हूँ, कहता हूँ 5 फुट के फासले पे हमारे पास लाइन ड्रॉ होती जाए। तो आप इसको क्लिक करते जाएं, देखें क्या एक्यूरेट 5 फुट के फासले पे हमारे पास लाइन ड्रॉ हो रही है, देखें ओके। तो ऑफसेट एक नई चीज है, मैं ऑफसेट को दोबारा आपको फिर बता देता हूं, मैं एक्सएल एक्सएल एंटर किया, मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, दोबारा एक्स एल एंटर करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लाइन ऑफसेट पे किस बिल्कुल एक्यूरेट ऑफसेट पे आए, तो उसके लिए मैं ओ एंटर करता हूँ, 3 फिट का ऑफसेट देता हूँ मैं इसको। अब आप देखें यही लाइन 3 फुट के फासले पे हमारे पास आ रही है, देखें देखें देख सकते हैं आप, तो एक्यूरेट हमारे पास 3 फुट के फासले में हमारे पास ये लाइन आ गई है। तो यह था जी कंस्ट्रक्शन लाइन, और कंस्ट्रक्शन लाइन पे हम काम किस तरह करते हैं, इसमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, हॉरिजेंटल क्या होती है, एंगुलर क्या होती है, ऑफसेट क्या होते हैं, बाइसेक्ट क्या होती है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन को हमने डिटेल से देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी।
नेक्स्ट लेसन भी मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन ट्यूटोरियल्स को, और जो जहाँ तक हमने किया है काम, हम लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन एंगुलर लाइन पढ़ चुके हैं, यूनिट्स को सेट कर चुके हैं, लिमिट सेट कर चुके हैं, तो ये आप काम बार बार करें, बार बार रिपीट करें और इसमें मोर प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक अच्छी तरह से कोई नेक्स्ट जब हम आगे 2D ड्राइंग्स बनाएंगे, 3D पे काम करेंगे, तो आपको वो काम करने में आसानी हो। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।